नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, इमामी ईस्ट बंगाल एफसी को लेकर अभी ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी बड़ा र्यूमर चल रहा है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से डिटेल्स में शेयर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, इमामी ईस्ट बंगाल एफसी ने अब तक 2 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में कन्फर्म किया है आने वाले सीजन के लिए। एक है इवान गोंजालेस और दूसरा है एलेक्स लिमा। और दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से अभी फिलहाल खबर आ रहा है कि इंडियन सुपर लीग में खेलने वाले 3 विदेशी खिलाड़ियों को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट आने वाले सीजन के लिए साइन करवाएगी। और साथ ही दोस्तों, एक घाना के स्ट्राइकर को भी इमामी ईस्ट बंगाल एफसी साइन करवाने वाली है आने वाले सीजन के लिए। तो दोस्तों, इंडियन सुपर लीग में खेलने वाले उन 3 विदेशी खिलाड़ियों के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है जिन्हें ईस्ट बंगाल एफसी अपनी टीम में साइन करवाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, एक घाना के स्ट्राइकर को लेकर अपडेट आ रहा है जिनका लिंकअप हुआ है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ। तो दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम है इमैनुअल बोइटिंग, जो 26 वर्ष के हैं और घाना से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, इनको लालीगा और चाइनीज सुपर लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, खबर है कि इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के साथ इमैनुअल बोइटिंग का लिंकअप हुआ है और खबर है कि इमैनुअल बोइटिंग के साथ ईस्ट बंगाल एफसी का बातचीत काफ़ी आगे तक गया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।